आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा शिवपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आवश्यक बैठक प्राथमिक विद्यालय बरदहा बाजार के प्रांगण में आहूत हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और शिक्षक सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद जुबेर ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा किया गया तथा पर्यवेक्षक के रूप में जिला अध्यक्ष श्री आनंद पाठक एवं जिला संगठन मंत्री श्री जय सुखलाल मिश्र जी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षक समस्याओं को उठाया गया। बैठक में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, आकांक्षी जनपद में ट्रांसफर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उपार्जित अवकाश, राज्य कर्मचारियों की भात ACP लाभ, मृतक आश्रितों की शिक्षक पद पर नियुक्ति, दिवंगत हुए शिक्षा मित्र और अनुदेशक के आश्रित की नौकरी, रसोईया मानदेय बढ़ोतरी की मांग और परिचर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में विभाग द्वारा कोई भी लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बावजूद भी प्रदेश के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने तथा सूचनाएं भेजने के लिए विवश किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाए। सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मान रही है, साथ ही बार बार एस्मा लगाकर शिक्षकों के आंदोलन के राह में बाधा डाल रही है। यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो भविष्य में शिक्षक कर्मचारी आंदोलित होंगे। शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पर्यवेक्षक जी द्वारा आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक ट्विटर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े और सरकार से अपनी मांग रखे। यदि सरकार हमारी मांगों पर नहीं विचार करती है तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मोहम्मद जुबेर ब्लॉक अध्यक्ष, योगेश त्रिपाठी ब्लॉक मंत्री, धर्मवीर भारती ब्लॉक कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शिवपुर बहराइच। हमारे संवाददाता जैद मलिक की रिपोर्ट। और उसमें वो लगा कर सकते हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले और डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा या हमारे जो जनपद के अध्यक्ष मंत्री, ये लोग जो हैशटैग दें उसको हैशटैग करके उसको ट्वीट करें, आपके आदेशों का पालन करें और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ को और इस संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान करें, यही हमारी आपसे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। अपनी बातों को बहुत लंबा न करके, क्योंकि हमारे यहाँ मीटिंग 2 बजे से पहले लोग आ गए। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अनुरोध पर आज BRC में हुआ टीकाकरण। आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को BRC शिवपुर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुरोध पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर के डॉक्टरों की एक टीम COVID-19 के टीकाकरण के लिए BRC शिवपुर पर पधारे और शिवपुर के बहुत से अध्यापकों ने COVID-19 का टीका लगवाकर टीकाकरण के प्रोग्राम को सफल बनाया। टीकाकरण के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया, हम उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। मोहम्मद जुबेर अध्यक्ष, श्री योगेश त्रिपाठी मंत्री, श्री धर्मवीर भारती कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री KK वर्मा जी और तमाम टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जैद मलिक ननपारा से। प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए शिक्षकों के लिए हुई मीटिंग। कल दिनांक 14 जुलाई 2021 को BRC शिवपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी बैठक में कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए, अन्य कारणों से दिवंगत हुए शिक्षक साथियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई, जिसमें अध्यक्ष श्री मोहम्मद जुबेर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार चौहान, उपाध्यक्ष मेरेज अहमद,
मंत्री योगेश कुमार त्रिपाठी, संगठन मंत्री आलोक कुमार और संगठन के सभी लोग उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता जैद मलिक की रिपोर्ट। बस्ती के तहसील चमनहा अंतर्गत सपा कार्यकर्ता मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार आदि निम्न मांगों को किसान को उनकी फसलों को लाभकारी व न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। प्रदेश में किसानों को गन्ना का बकाया भुगतान 15,000 करोड़ रुपए तत्काल दिए जाए। किसानों को पर जो भी काल कृषि कानून थोपा जा रहा है उसको वापस लिया जाए। बढ़ते महंगाई, डीजल पेट्रोल, रसोई गैस, कृषि यंत्र पर रोक लगाया जाए। बेरोजगार नौजवान के नो रोजगार दिया जाए। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाया जाए। समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे वापस किया जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है अपराध बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के बदहाली तत्काल दुरुस्त किया जाए। बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। कोरोना काल में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के जाँच कराया जाए। जिला पंचायत क्षेत्र के पंचायत अध्यक्षों को चुनाव में हुए धांधली एवं हिंसा के जाँच कराया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकार के ऊपर लगातार हो रहे हमले पर रोक लगाया जाए। जमनहा से चिचड़ी तक मार्ग का निर्माण कराया जाए। आदि मांगों को लेकर सपा के जिलाध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड राजेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जमनहा को सौंपा। इसी दौरान सरोजनी शर्मा, कार्ती राम वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश वर्मा, किशोरी लाल विश्वकर्मा, पप्पू सिंह, राजू अहमद, अबरार अहमद और राजू मनोज कुमार आदि तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट बोजो अहमद श्रावस्ती। तहसील स्तर पे आए हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम ज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब को अपनी बात बताने आए हैं। इनके द्वारा वो राज्यपाल महोदय को पहुँच जाएगा हमारी बात उन तक, क्योंकि जो आजकल ये गुंडाई हो रही है वो हमारी सरकार में कभी नहीं हुई, ना कभी हुई है, ना हुआ है, ना होने की उम्मीद है। ये हमारी सरकार थी, हर लोग को पर्चा मिलता था, सब लड़ाई अपने किस्मत की होती थी, कोई जीतता था कोई हारता था, ये अपनी किस्मत से होता था। इस बार किसी को पर्चा ही नहीं लेने दिया गया। एकौना में धरना दिया गया, हमारे ज़िले में किसी की नहीं सुनी गई, ज़बरदस्ती बना दिया गया, हर पांचों ब्लॉक में ज़बरदस्ती ही बनाए गए। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी गुंडाई कर रहे हैं, तेल 100 के पार डीजल पहुंच रहा है, हमारा पेट्रोल पहुंच रहा है, लोग कैसे चलेंगे? भुखमरी इतनी है, महिलाओं की कहीं सुनी नहीं जा रही है, कहीं भी। सबसे ज़्यादा अन्याय कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा अन्याय ये कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अब जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, जब तक ये अपनी आदत में सुधार नहीं लाएंगे और सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका तो कोई परिवार नहीं है जो ये जाने, किसी का दर्द इनको दर्द नहीं है, ना दर्द ये जानेंगे। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर नहीं जाती, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और हम सबके साथ रहेंगे। इसमें प्रमुखता ये है कि जो भाजपा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में जो गुंडाई की गई है, माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनके हाथ से जो है परपत्र लेकर फाड़ दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। लखीमपुर में प्रत्याशी की प्रस्तावक अनीता यादव की साड़ी खोल दी गई, ये बहुत ही इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस सरकार को हम राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं इनको बर्खास्त किया जाए।
अभी जो है 15,000 करोड़ रुपया जो गन्ने का बाकी है इसका भुगतान किया जाए और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमे की वापसी हो और उनका उत्पीड़न बंद हो और समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के नहीं इस देश के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान साहब और उनके सुपुत्र विधायक उनको जेल में जो बंद है उनको रिहा किया जाए, उनके परिवार का उत्पीड़न बंद हो और समाजवादी पार्टी के जो जितने भी प्रदेश में नेताओं या कार्यकर्ताओं के मुकदमे दर्ज है वापस किए जाएं। ये सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसको हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं राष्ट्रीय जी से सरकार बदलनी चाहिए। जय अखिलेश, जय समाजवाद। कोरोना काल में किए गए सेवा को मिला सम्मान। सुल्तानपुर संतो पलटो दास योग परिवार की तरफ से सुल्तानपुर जिले के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह को बृहस्पतिवार के सुबह पर्यावरण पार्क में माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया, अभिनंदन किया। संस्था के योग गुरु बाबा धर्मेंद्र दास का कहना है कि कोरोना के संकट काल में डॉक्टर सुधाकर सिंह ने मानवता का सेवा की और जो मिसाल पेश की उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। रिपोर्ट पंकज सिंह, सुल्तानपुर।